जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल नामा। आज बहुत स्पेशल दिन है, 7 अप्रैल 2019, और हर साल रोटरडैम में मेरे शहर में एक माराथन होता है। ये होलैंड का सबसे बड़ा माराथन है। आज मैं आपको शेयर कराता हूँ, ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, लेट्स गो। मौसम, बिलीव इट और नॉट, आइडियल मौसम है। आज टेम्परेचर होगा तकरीबन 20-21 डिग्री सेल्सियस। हर साल हॉलैंड में 3 बड़े मैराथन्स होते हैं, एम्स्टरडम मैराथन, आइंदहोफन मैराथन और सबसे बड़ा रोटरडम मैराथन। आज के माराथन में, जो कि 39th एडिशन है रोटरडम के माराथन की, 60 मुल्कों से लोग हिस्सा ले रहे हैं। टोटल पार्टिसिपेंट का नंबर है 15,000। जैसा कि आप देख रहे हैं, रनर्स जो लीड में जा रहे हैं, जो रनर्स सबसे आगे हैं, वो सारे अफ्रीकन्स हैं, या तो वो केनिया से हैं या वो इथियोपिया से हैं। दुनिया के जितने बड़े मैराथन्स हैं उसमें से अक्सर केनियंस जीतते हैं। इसके पीछे एक थ्योरी ये है कि केनियंस जो हैं अपने मुल्क में, क्योंकि बहुत गरीब मुल्क है और वहाँ पे उनको स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है, अक्सर ये लोग पैदल चलते हैं और रोज़ाना कितने माइल्स सफ़र करते हैं। हो सकता है कि यही वजह हो कि केनियंस हर माराथन में सबको शिकस्त दे देते हैं। मुझे आपका नहीं पता, मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है। यहाँ पे पतत बहुत चलते हैं। पतत बेसिकली फ्रेंच फ्राइज होते हैं, हॉलैंड में इसको पतत कहा जाता है। बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट डेली। हेलो, ओके, या पतत स्पेशल करी। Thank you, Val. Yummy, patat. साइडलाइन से तकरीबन 1 मिलियन लोग रनर्स को चेयर करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं के दे शुड नॉट गिव अप। मजे की बात यह है कि जब से ये मैराथन शुरू हुआ है 1981 से, किसी भी हॉलैंड के पार्टिसिपेंट ने नहीं जीता। तकरीबन 16 दफा केनियंस ने जीता है और उसके बाद इथियोपियंस ने जीता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द विनर्स ऑफ दिस मैराथन is from Africa. मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स देके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने वाला हूँ। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।